कढ़ी बनाने के लिए 2 लीटर छाछ लिए हैं। ये 20 लहसुन के कलियां हैं, इसके हमने ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और ये 3 हरी मिर्च है, इसके भी हमने छोटे पीस किए हैं। 2 टेबलस्पून जीरा है, 5 लाल मिर्च है और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है। एक पैन हमने गरम कर लिए है, इसमें जीरा धनिया लाल मिर्ची को हम देखिए इसे हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम लहसुन भी भुनेंगे। देखिए लहसुन भी भून लिए हैं, इसको भी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। हरी मिर्च भी भून लेते हैं। देखिए हरी मिर्च भी भून लिए हैं, अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जीरा धनिया और मिर्ची, हरी मिर्च और लहसुन, ये सब साथ में पीसेंगे। देखिए सारे मसाले पीस गए हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मसाला पीस कर ऐसे मोटे मोटे हो गए हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने 50 ग्राम बेसन लिए हैं। ये पिसे हुए मसाले इसमें मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून हल्दी भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स कर लिए हमने अच्छे से। एक पैन में हम छाछ को डालते हैं। और पिसे हुए मसाले डालेंगे। और एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज है, ये देखिए ये भी इसे में मिक्स करेंगे हम। नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए आप। सारे मसाले हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं, अभी इसे अच्छे से चला लेते हैं चम्मच से। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हमने, अभी इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए उबालना शुरू हो गया है, अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। कढ़ी को हम 15 से 20 मिनट स्लो आंच में पकने के लिए रख देते हैं।
और तब तक हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमने 200 ग्राम बेसन लिए हैं, 2 मीडियम साइज के प्याज हमने ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, हम इसमें ऐड कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 हरी मिर्च है इसे हमने छोटे छोटे पीस कर लिए इसके, वन टीस्पून अजवाइन है, थोड़ा सा ये सोडा डाल रहे हैं इसमें खाने वाला, नमक टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं इसमें, सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन में। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए, इसमें हम पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़ों की साइज थोड़ी सी छोटी रखनी है, पकौड़ों को थोड़ा सा ऐसे ही चलाते रहना है ताकि सब जगह अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए पकौड़े बिल्कुल तैयार है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कड़ी को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम पकौड़े ऐड कर लेते हैं, अब इसमें हम एक उबाल आने के लिए देते हैं, उसके बाद इसे हम बघार देंगे। ये देखिए एक उबाल आ गया है, अब इसको हम एक तड़का दे देते हैं। फ्राई पैन गरम कर लिए है हमने, इसमें अब घी ऐड कर लेते हैं 50 ग्राम, बघार में हम डालेंगे मेथी, जीरा 1 टीस्पून, थोड़ा सा राई 1/2 टीस्पून, हींग 2 लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
ढक्कन 2 मिनट के लिए बंद करके रखेंगे। ये देखिए कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, कितना अच्छा कलर लग रहा है। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।